नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है यूपी के सुल्तानपुर से, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने किसान के मुद्दा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पृथ्वी पाल यादव सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। योगी सरकार पर हमला करते हुए जताई नाराजगी। सुल्तानपुर जिले से न्यूज 9 भारत के लिए राज जायसवाल और राहुल सोनकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश में आज हम लोग ज्ञापन, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, एमएलसी साहब हैं, हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जो ये अध्यादेश आए किसान विरोधी है। इस अध्यादेश का समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। और भी हम लोगों की जो जिस तरह से पत्रकार के बेटी के साथ जिस तरह से जिंदा जला दिया गया, उस सब घटनाओं को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और ये सरकार किसान विरोधी है, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। आज पूरा किसान, सिर्फ प्रदेश नहीं पूरे देश का किसान आंदोलित है। और हम लोग अभी शांत तरीके से मांग कर रहे हैं, अपना ज्ञापन पत्र दिए हैं कि इसके संशोधन किया जाए, इस जो ये विरोधी किसान विरोधी कानून आया इसको समाप्त किया जाए। अगर नहीं लोग समाप्त करेंगे, वापस लेंगे, तो हम लोग आगे चल के इसको सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हैं। इनकी सारी नीतियां पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हैं। पिछले दिनों जो कृषि अध्यादेश 2020 लाया गया है, उससे पूरे देश का किसान आंदोलित है। ये ठीक उस तरीके से है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में व्यापार करने के नाम पर आई थी और उसने संपूर्ण देश पर कब्जा करने का काम किया था, उसी तरीके से आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के नाम पर दखल दी जा रही है। और आने वाले समय में इसके परिणाम देश के किसानों के विपरीत जाएंगे, इस खतरे को समाजवादी पार्टी समझती है। और इसीलिए हम लोग ज्ञापन दे करके ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस अध्यादेश को वापस ले। इसके अलावा श्रम कानूनों में जो परिवर्तन हुए हैं वो मजदूर विरोधी हैं, और जिले में जो कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं उन सारे सवालों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है। और आवश्यकता पड़ने पर इस आंदोलन को आगे भी विस्तार देने का काम किया जाएगा। आज हम लोग जो किसान विरोधी बिल लोकसभा में बीजेपी की सरकार मोदी जी पास किए हैं, उसी के विरोध में हम सब आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। और उसमें हमारे किसानों को जो है पूरा खेती और जो कुछ है निजीकरण करने का काम ये भी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ मजदूर जो हमारे श्रमिक जो काम करते थे, अब वो पूंजीपति लोग जो कंपनी मालिक लोग हैं, अब उनको जैसे 100 लोगों के पहले था लिमिट थी, अब 300 बढ़ा कर दिए, उनके साथ भी अन्याय करेंगे, उनको जब चाहेंगे निकाल देंगे, उनके साथ भी प्रताड़ना काम करेंगे, लेबर एक्ट भी ख़त्म कर दिए हैं। ये हम लोगों की मांग है। अगर इस पर नहीं कुछ कार्रवाई होती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम लोग सड़क जाम करेंगे और फिर आगे आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।